सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। सो सुबह उठते सबसे पहले मैंने अपना डेस्क क्लीन किया एंड डेस्क बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था, सो इट टुक मी अ बीट मोर टाइम टू डू दैट थिंग। बट या डेस्क क्लीन करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था डेस्क। एंड उसके बाद आई डिड द रिविजन ऑफ आइसोमेरिज्म। मेरा संडे को टेस्ट था, इसी वजह से मैं आइसोमेरिज्म का रिविजन कर रही थी। सो इट टुक मी अराउंड 1 hour and 12 minutes। ऑनेस्टली विंटर्स में उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब सुबह उठने में तो मौत आती है सीधा। एंड हमारे यहाँ तो बारिश भी हो रखी है, सो द वेदर इज़ लिटरली सो वियर्ड। हमारे यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो रखा है। मेरी लिटरली उंगलियाँ फ्रोजन हो गई थी, मैं कुछ लिख भी नहीं पा रही थी। मैं जैसे तैसे तो वो पेन पकड़ रही थी शूट के लिए। एंड उसके बाद ना मैं बायोलॉजी का मॉड्यूल पढ़ रही थी, केमिकल इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ रही थी। एंड मैं ना अपने स्टॉप वॉच से कुछ करतब कर रही थी अपने कैमरे के सामने, तभी मेरे हाथ से वॉच फिसल गई एंड टाइम रिसेट हो गया था। सो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे टाइम याद था तो मैंने उसे एक पेपर पे लिख लिया था एंड फिर से स्टार्ट किया टाइमर। और आपको मेरे डेस्क पे कुछ न्यू दिख रहा होगा, दैट इज़ माई लैम्प। सो मुझे किसी ने पूछा था मुझे लैम्प की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो द रीज़न इज़ कि आई एम अ डमी स्टूडेंट, मतलब डमी एडमिशन लिया है मैंने स्कूल में। सो मैं दिन भर घर में ही रहती हूँ, सो आर्टिफिशियल लाइट के साथ मेरा कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। एंड मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ, इसी वजह से स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है मेरा। तो इसी वजह से जब मुझे ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती नहीं है, तब मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ और सिर्फ लैम्प लगा के पढ़ती हूँ। एंड दैट्स वाई आई नीड अ लैम्प। मॉड्यूल रीडिंग के बाद ना मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। सो मतलब मैं क्या कर रही थी ना, जैसे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी एक्सरसाइज से, फिर सेकंड टॉपिक एंड उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। सो यहाँ पे मैं पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। टोटल 97 क्वेश्चन थे वो। ऐसे मैंने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, साथ ही साथ मैंने तभी मॉड्यूल भी पढ़ा था। वन मोर थिंग जो मुझे किसी ने पूछी थी, इसकी क्या मैं अपने क्वेश्चंस को क्लास नोट्स में नोट करती हूँ या नहीं। सो टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस को नोट नहीं करती हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, और जब तक मैं उन्हें नोट कर रही होती हूँ तब तक सर उन्हें एक्सप्लेन भी कर चुके होते हैं और सॉल्व भी कर चुके होते हैं। सो बाद में जब मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ नोट से, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है समझने में कि इसे सॉल्व कैसे किया था। कई बार तो मुझे टाइमलाइन से उस लेक्चर को रिवाइज करके फिर से देखना पड़ता है। सो इट इज़ अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। इसी वजह से मैं जनरली नहीं लिखती हूँ क्वेश्चंस को। जब सर सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चंस, तो मैं क्वेश्चन पे फोकस करती हूँ, और जब मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है क्लास नोट के क्वेश्चन को, तब मैं जो हमें नोट्स प्रोवाइड होती है PDF फॉर्म में, वहीं से कर लेती हूँ। एंड मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में दिखाया भी है कि मैं ऐसे वही से क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चंस को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, सो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है एंड पंकज सर टाइम भी दे देते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो मैं लिख लेती हूँ। एंड यहाँ पे ना मैं समाप्ति मैम का लेक्चर कर रही थी। समाप्ति मैम बाहर गई हुई थी कितने दिनों से, सो बहुत दिनों बाद मैम का लेक्चर हो रहा था। एंड बीइंग ऑनेस्ट, मेरा बॉटनी में थोड़ा बैकलॉग चल रहा था, सो उस लेक्चर के बाद ना मैं अपने बैकलॉग वाले लेक्चर को ही कवर कर रही थी। सिर्फ दो लेक्चर का बैकलॉग था, बट बैकलॉग इज़ बैकलॉग, सो मैं उसी को कवर कर रही थी। एंड इसी वजह से मैं लाइव लेक्चर भी नहीं देख पा रही थी अपना। सो सेकेंड लेक्चर के बाद मैंने अपना डिनर ब्रेक लिया। एंड डिनर ब्रेक के बाद ना मैं NCERT रीडिंग कर रही थी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का रीडिंग कर रही थी मैं, कॉज द सेम रीज़न मेरा टेस्ट था संडे को, सो टेस्ट की वजह से मैं NCERT रीडिंग कर रही थी।
एंड या दैट इज इट फॉर टुडे गाइज, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।